जय श्री राम मित्रों। मित्रों, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इसी कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने के योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर चुक को वह अनदेखा करके पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए हृदय में घृणा पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षाग्रह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, द्यूत क्रीडा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पापों का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा होकर और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन चले जाते हैं। मित्रों, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित।